आपको सुबह ऐसे उठना है कि ऐसे उठना है। अगर आपने चूज किया सेकंड ऑप्शन तो आपको चाहिए एक अच्छा ब्रश। जी हाँ, एक बहुत अच्छा ब्रश। अब ये ब्रश तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा बोरिंग है, और सुबह सुबह हमें बोरिंग नहीं फ्रेशनेस चाहिए। तो मैंने अपने गूगल भाई से पूछा और मेरे गूगल भाई ने मुझे रिकमेंड किया ये इलेक्ट्रिक ब्रशेस, लेकिन मुझे तो चाहिए इंस्टेंट डिलीवरी, क्योंकि भाई अभी जमाना है इंस्टेंट डिलीवरी का। तो फिर क्या था, मैंने ब्लिंकिट खोला, की थोड़ी सी रिसर्च और सिलेक्ट कर लिए दो बजट इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस जिनका मैं रिव्यू करूंगा। एक मैंने खरीदा है कोलगेट का, एक मैंने खरीदा है परफोरा ब्रांड का। तो दो क्यों, एक मेरा और एक मेरे पार्टनर का। तो अब वक्त है इसको फेंकने का और चेंज को अपनाने का। करते हैं अब इन दोनों का अनबॉक्स। तो ऐसा दिखता है कॉलगेट वाले का बॉक्स, काफी प्लेन सा है और अंदर भी इसमें एक बैटरी और एक ब्रश आया था, ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है। और प्राइस मैं कैप्शन में भी डाल दूंगा, सबटाइटल्स में भी आपको प्राइस इसका दिख जाएगा। और ये है परफोरा का बॉक्स, थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है। अंदर इसके था ब्रश, दो एक्स्ट्रा हेड, दो बैटरी और हाँ भाई साथ में ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी थी, कुछ और इंस्ट्रक्शंस, मतलब बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस थी इसके अंदर, जो मैं अभी तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ूंगा, मतलब तो मैं बाद में ही पढ़ूंगा, लेकिन हाँ बहुत सारी इंस्ट्रक्शन थी इसके अंदर, देख सकते हो आप कि इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन पे इंस्ट्रक्शन। तो ये है परफोरा वाला ई ब्रश, इसको ट्विस्ट करके खोलना है और फिर दो सेल्स डाल देंगे इसके अंदर। तो ऐसे ट्विस्ट करके ये खुल जाता है, इसके अंदर डालेंगे दो सेल्स आपके जो साथ में इन्होंने दिए हैं। तो ऐसा ये खुला और ये बंद हुआ, ये ट्विस्ट ऐसे करके। अब इसके अंदर मैं सेल्स डाल दूंगा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड थोड़े सेल्स ढूंढने दो। हाँ तो ये ऐसा सेल देखो, एक एक ये मिला है और एक और मिला है, दो सेल मिले हैं इसके अंदर। तो ये दोनों सेल अब मैं इसके अंदर डालूंगा, ऐसा ट्विस्ट करके खोल दिया, सेल्स डाले, एक सेकंड थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसे करके थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब आपको देखना पड़ेगा प्लस माइनस, वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है लेकिन आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट। थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाओ, देखो मैं अनबायस्ड अनफिल्टर्ड रिव्यू देता हूँ तो इसलिए मैं इस पार्ट को कट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ के बहुत सिंपली पहले से ही जल्दी जल्दी कर देते हैं, बट मैं आराम अपना टाइम लेके करूँगा ये चीज़। तो ये हो गया फाइनली, तो ऐसा है ये। और अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हेड लगा नहीं है, हेड मेरे को लगाना पड़ेगा, दो हेड इसके अंदर मिले थे तो हेड तो अब इसके ऊपर लगाना पड़ेगा मुझे अलग से। तो ये हेड आप देख सकते हैं, ऐसे हेड है, इसके अंदर कवर भी है, तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इसमें कवर है। कोलगेट वाले में मुझे ये कवर नहीं दिखे ब्रश के ऊपर। तो ये हेड को एडजस्ट करने में भी थोड़ा सा ट्रिकी तो है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है कि क्लिक करना है, रुक जाओ एक सेकेंड, आई थिंक इसको इंस्ट्रक्शन ना पढ़ने का ऑब्वियसली नुकसान भी है, मुझे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी चाहिए थी, बट यार कौन पढ़ रहा है इंस्ट्रक्शन, मतलब बोरिंग काम है इंस्ट्रक्शन पढ़ना। तो फाइनली आई थिंक एक सेकेंड, हाँ तो फाइनली ऑलमोस्ट एक सेकेंड रुक जाओ, लग गया, हाँ ये लग गया ऑलमोस्ट। तो ऐसा दिख रहा है ये, तो पूरा हेड के साथ अब लग गया है। अब इसको ऑन करके इसकी आवाज़ सुनते हैं थोड़ी सी। और इसमें आपको बता दूं मैं, दो मोड्स हैं, एक मीडियम है जो सिंगल क्लिक से होगा और एक है फास्ट मोड जो डबल क्लिक से होगा। तो एक क्लिक से मीडियम और डबल क्लिक से फास्ट, तो इसमें दो मोड हैं। तो ऐसा दिखता है कि ब्रश मटेरियल अच्छा है। तो अब बारी है कोलगेट वाले ब्रश की। कोलगेट वाला ब्रश का स्टाइल भी अच्छा है, थोड़ा सा थिक है मटेरियल, ज़्यादा इसका प्रीमियम भी लग रहा है, देख सकते हो आप थोड़ा थिक है हमारा। और इसके जो ब्रिसल्स का स्टाइल है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है परफोरा वाले से, बट ये है कि परफोरा वाले में टंग क्लीनर नहीं था, इसमें पीछे टंग क्लीनर है, तो वो एक एडवांटेज कोलगेट को मिलेगा। और असेंबलिंग लेकिन इसकी पहले से हो रखी थी, मतलब हेड की असेंबलिंग पहले से हो रखी थी, आई थिंक इसमें वो तो डालना ही पड़ेगा हमें, बैटरी तो हमें ट्विस्ट करके सेम प्रोसीजर होगा और वो डालना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ है। बाकी वही है कि टंग क्लीनर मुझे इसमें ज़्यादा बेटर लग रहा है। और इसमें मोड मेरे को देखना है कि एक है कि दो है, क्योंकि परफोरा में मोड दो है, तो उसमें बैटरी, इसमें भी देखो सेम सिस्टम है, ट्विस्ट करके ऐसे खुलेगी, लेकिन इसमें एक बैटरी डलेगी, दूसरे वाले परफोरा में दो बैटरीज डलती है, इसमें सिर्फ एक बैटरी डलेगी। और अभी इसमें ये बैटरी मैं डाल दूंगा, तो ये है बैटरी इसकी जो ये साथ में मिली है इसके, बाकी इसके साथ और कुछ नहीं मिला है, मतलब इसका कवर नहीं है जैसे परफोरा वाला में देख सकते हो आप कि
ब्रश हेड का कवर था एक, इसमें कवर नहीं है, बट कोई बात नहीं, वो तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम क्लीन रखें अपने ब्रिसल्स को, बार बार साफ़ करें, तो वो चीज़ तो हमारे ऊपर भी है। बाकी ये डाला मैंने और देखते हैं ऑन होता है कि कैसा होता है ये, इसका साउंड थोड़ा सा देखेंगे। तो ये ट्विस्ट कर दिया, ऑन हुआ नहीं, आई थिंक मैंने इसको गलत तरीके में डाल दिया है, शायद मैंने इसका प्लस माइनस गलत कर दिया है, तो मैं फिर से ट्राई करूँगा और फिर से डालूँगा, थोड़ा सा निकालने में मुश्किल हो रहा है इसको। 1 सेकेंड, वेयर विद मी, थोड़ा सा अटक सा गया है इसका, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं इसका साउंड चेक कर रहा था, साउंड तो इसकी ठीक है, एक ही मोड है बट ठीक है, अच्छी साउंड है, मतलब हैवी लग रहा है, प्रीमियम क्वालिटी है। अब इनमें से एक को मैं करूँगा टेस्ट, क्योंकि मैकेनिज्म तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। तो अब आ गया हूँ मैं बाथरूम में, और सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा वॉश कर लूँगा, तो मैंने वॉश कर लिया इसको, और इसके ऊपर टूथपेस्ट अप्लाई करूँगा, नॉर्मल जैसे ब्रश में टूथपेस्ट अप्लाई करते हैं वैसे अप्लाई करेंगे। ये कर दिया टूथपेस्ट अप्लाई, और अब कर दिया स्टार्ट, और अब करते हैं। थोड़ा वियर्ड तो है, मतलब बहुत वियर्ड सा एक्सपीरियंस है, मतलब अगर आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया है तो आपको अजीब लगेगा। इसके इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है कि थोड़ा टाइम लगेगा आपको इस चेंज को एडजस्ट करने में। आई कैन अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ इट, क्योंकि सम पीपल लाइक टू यू नो सेव देयर टाइम, तो उसका यूज़ है, बट इसको मेंटेन करना एक्चुअली में ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो सकता है, तो ये बात तो उसमें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी मैं कोई डेंटिस्ट तो हूँ नहीं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं एक डेंटिस्ट से पहले, ये स्विच करने से पहले आप किसी डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना, मैं क्योंकि थोड़ा सा अनश्योर तो हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे अनबायस्ड टेक रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी ट्राई इसको, और मिलेंगे अगली टेक रिव्यू वीडियो में। तब तक मैं कोशिश तो करूँगा कि मैं इसको और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे अभी तक एक्चुअली में ये ठीक से समझ आ नहीं रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो लग रहा है। तो हाँ, बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अनबायस्ड टेक रिव्यूज़ में। सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, मेरा इस साल का गोल है कि एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो जाए, कम ऑन गाइस, आप इतना तो मेरे को सपोर्ट कर ही सकते हो कि 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। तो 500 सब्सक्राइबर्स के लिए कर दीजिए सब्सक्राइब, और हम फिर मिलेंगे अगली टेक वीडियो में। चलिए, गुड बाय, टेक केयर, अदियोस, सायोनारा, और ये है थोड़ा सा ब्लूपर।